जो है तो अच्युत गोत्र हो गया, श्रीराम का पुराना गोत्र खत्म हो गया, हरिओम चार वर्ण से द्वारा शुद्ध को पानी पिलाओ, ओम गुरुवासा योगे नमः पार्वतम सुन तो दो दाने काम के लिए काम में चुका लो और कुछ सुंदर है क्या नमः ये माता का स्वरूप होती है ज्योति, जैसे दीप ज्योति मेरे को दूर कर दी, हमारे दुख रोग शांत हो, बुद्धि प्रकाश में हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, हर प्रकार का इंसान के दो ही शत्रु होते हैं, उसका आलस और उसका क्रोध, जिससे जिस इंसान के अंदर क्रोध जाता है, आपको क्रोध इसी धरती पर छोड़ देना है स्वामी जी के आगे, ठीक है, आलस तो पहले भी नहीं था, आलस भी छोड़ देना, क्रोध भी शायद पहले भी नहीं था, ठीक है, पर सारा कुछ छोड़ना है। अब आपका जो गुरु परिवार है, आप इस परिवार के इतना भी जो हर की पौड़ी का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये स्वामी चिदानंद जी थे और जिन्होंने सारे का सारा पूरा कम्प्लेक्स बनाया था, और एक जो नवदुर्गा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया था, ये सारी की सारी जितनी भी है उनकी देन है। आज से 40 दिन पहले वो स्वर्गवास हुए थे, आज उनकी समाधि के ऊपर जो दूसरे जिनको गद्दी छीन गया है वो महादेव सरस्वती जी महंत हैं, जिनको आज गद्दी छीन किया गया है, और उन्हीं की समाधि पर जितनी भी सारी रस्म है वो अदा की गई है, और जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं आज से लेकर आगे जो महंत हमारे ये हमारे हरदेव जी हैं, महादेव जी हैं, यही आगे जहाँ के इसके गद्दी निशीन होंगे, और वही सारा जितना भी संचालन है सर्वसहमति से संगत से के सहयोग से, और जो हमारा यहाँ की जो कमेटी है उन्हीं के सहयोग से उन्हीं को आज गद्दी निशीन किया गया है, और जितने भी आगे कार्य चलेंगे मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, जम्मू का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है पिलग्रम टूरिज्म के लिए, तो जहाँ के बाकी भी जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जहाँ के अप्रोच रोड की बात करूँ, अप्रोच रोड जहाँ पर अच्छा बनना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिलग्रम हैं वो जहाँ से आ सकें, तो आज हमें इस बात का दुख भी है कि हमारे जो चिदानंद जी महाराज आज से 40 दिन पहले समाधि ली और यहीं पर उनको समाधि दी गई थी, तो आज उनको उनकी जगह जो महादेव जी सरस्वती उनको महंत जहाँ पर नियुक्त किया गया है उनकी यह गद्दी नीचे, जहाँ पर कोई मालिक नहीं है, जहाँ पर एक पैसा देने वाला भी और 10 लाख देने वाला भी बराबर है, ये पूरी संगत की जम्मू वासियों की देशवासियों की सभी ये प्रॉपर्टी।